हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताऊंगी क्लास टेंथ साइंस में अम्ल क्षारक तथा लवण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें अति लघु मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं और लघु क्वेश्चंस बनाए हैं। फ्रेंड्स, इन तीन टॉपिक्स में से आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन तो जो कम्प्लीट हो गई। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं इनको आप अच्छे से याद करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, अब चलते हैं वीडियो की तरफ। अति लघु प्रश्न का पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या होते हैं स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अम्लों तथा क्षारकों में अंतर बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? एक प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल क्षार का नाम लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, जल का आयनिक गुणनफल क्या है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका मान लिखिए। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, तो आप जो ये थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है इसको तो ज्यादा अच्छे से याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स मैं आपकी कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी वीडियोस बनाती हूँ, तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अब क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न का, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखो, इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी आने वाली मेरी वीडियो जो होगी फ्रेंड्स वो आपकी केमिस्ट्री की रिएक्शंस के ऊपर होगी, मीन्स समीकरण के ऊपर होगी, और समीकरण अभी मुझे नहीं लगता ज़्यादा स्टूडेंट्स के अच्छे से होंगी। सो फ्रेंड्स, जो रिएक्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी उनको अच्छे से कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, खाने का सोडा बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए तथा धावन सोडा कैसे बनाते हैं यह भी बताइए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। इन तीन टॉपिक्स में से यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट आपके एग्जाम जाने वाले होंगे। सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।